नमस्ते गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में हम लोग आए हुए हैं साउथ वेस्ट एडमिंटन में और एरिया का नाम है आर्बर्स ऑफ कैजविक। आज जो आपको ये घर दिखाएंगे ये है 2370 स्क्वायर फीट घर, वाइडर लॉट पे घर बना हुआ है। प्लस इस घर में आपको मिलेगी एक टू बेडरूम लीगल बेसमेंट जो कि एडिशनल स्क्वायर फीट है, प्लस पोटेंशियल रेंटल ऑप्शन है। तो चलो अब आपको दिखाते हैं ये हैप्पी प्लैनेट होम का बहुत ही अच्छा घर। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके चैनल सब्सक्राइब करो। तो चलो अब चलते हैं। सो यहाँ से एंटर करते हैं इस 2370 स्क्वायर फीट घर में। आप देख सकते हो कस्टम होम में सबसे पहले एंट्रेंस से पता चलता है कि बहुत ही अच्छा कस्टम डोर दिया हुआ है। हाइट बहुत लंबी है, टॉल डोर से पता चलता है कि घर बहुत ही फैंसी है। जैसे ही आप घर के अंदर एंटर करोगे यहाँ पर आपको मिलेंगी ये पियानो टाइल्स और ऊपर सीलिंग पे आपको मिलेगी वुडन बीम्स। तो ये एंट्रेंस पे तीनों ये वुडन बीम्स देख सकते हो, काफ़ी अच्छी फील आ रही है, फैंसी एंट्रेंस आपको दिखेगी। और पॉटलाइट सारी जगह दी हुई है। मेरे यहाँ लेफ्ट साइड पे बार्न स्टाइल डोर दिया हुआ है, स्लाइडिंग डोर है। और इसके अंदर दिखाते हैं आपको ये बहुत ही बड़ा फ्लेक्स रूम जिसको आप ऑफिस स्पेस बना सकते हो। और ऊपर आप देख सकते हो कस्टम लाइट्स इस पूरे घर में दी हुई है, ब्लैक एंड गोल्ड कलर की कस्टम लाइट्स ही दी हुई हैं। और काफ़ी बड़ी विंडो है फ्रंट की, वुडन शेल्फिंग यहाँ पे दी हुई है, तो आप अगर अपना ऑफिस भी बनाते हो तो यहाँ पर आप सामान रख सकते हो। प्लस फ्लोरिंग भी बहुत अच्छी है, वाइनल फ्लोरिंग यहाँ पर है। अब आपको मैं इसके साथ में दिखाता हूँ मेन फ्लोर पर ये फुल बैथ। स्टैंडिंग शावर यहाँ पे दिया हुआ है और कस्टम देखो गोल्ड फिक्स्चर पूरे घर में लगे हुए हैं और लाइट भी बहुत अच्छी, लाइट फिक्स्चर भी पूरे ही थ्रू आउट घर में कस्टम है। अब आपको लेकर चलते हैं मेरे फेवरेट फीचर इस घर का जो है ये मेन फ्लोर। यहाँ इस ग्रेट रूम में आप देख सकते हो ओपन टू बिलो दिया हुआ है। सीलिंग पर कस्टम शैंडलियर है, सामने ये फीचर्ड वॉल दी हुई है जिसमें इलेक्ट्रिक फायरप्लेस है। काफ़ी ओपन कॉन्सेप्ट घर है क्योंकि ये 2370 स्क्वायर फीट है, तो आप देख सकते हो रेलिंग्स भी कस्टमाइज्ड है। आपको कस्टमाइज्ड वर्ड बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा इस घर में क्योंकि पूरा ही घर बहुत ही प्लान तरीके से बनाया हुआ है हैप्पी प्लैनेट होम्स ने। इस लिविंग रूम के साथ में यहाँ पर दिया हुआ है डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया में सेंटर में आप देख सकते हो गोल्ड कलर की कस्टम लाइट्स दी हुई हैं, ऊपर आप सीलिंग देख सकते हो और ये प्लैंक फ्लोरिंग, वुडन प्लैंक फ्लोरिंग पूरी थ्रू आउट मेन फ्लोर पर है। और इसके डाइनिंग एरिया के साथ में है ये किचन। बहुत ही बड़ा सेंटर में आइलैंड दिया हुआ है, आप इजीली तीन यहाँ पर बार स्टूल लगाकर इसको एज अ ब्रेकफास्ट टेबल भी बना सकते हो। लाइट फिक्स्चर बहुत ही बड़े और डिज़ाइन बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, जो कलर कॉन्ट्रास्ट है पूरे घर में वो बहुत ही बढ़िया है। अंडर कैबिनेट लाइट्स आपको मिलेंगी थ्रू आउट और आपको डुअल टोन कैबिनेट्स भी मिलेंगे। और इस घर में सारे जो भी अप्लायंसेस किचन में दिए हुए हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं, तो ये बहुत ही एक प्लस फीचर है कि आपको बाद में अप्लायंस नहीं लेने पड़ते। और अब आपको दिखाते हैं यहाँ पर तो है इलेक्ट्रिक स्टोव और साथ में यहाँ पर है स्पाइस किचन।
जो अगेन एक बहुत ही बढ़िया फीचर है। तो यहाँ पर है गैस स्टोव, ये बीच में ग्रिडल दिया हुआ है। तो ये गैस, किसी को गैस पे यूजुअली कुकिंग ज़्यादा बढ़िया लगती है, तो आपको दोनों ही फीचर अवेलेबल मिलेंगे। बहुत ही सारी थ्रू आउट घर में ये पैंट्री स्पेस दी हुई है, बाहर अलग से बहुत स्पेस है, और यहाँ पर आप किचन के लिए पूरी पैंट्री स्पेस देख सकते हो। और यहाँ बैक में अलग से सिंक भी है, एक बाहर है और एक अंदर है। अगेन गोल्ड फिक्स्चर है, जो कि एक अपग्रेडेड फीचर होता है। और अब आपको दिखाते हैं इस मेन फ्लोर पर किचन के साथ में जो है मडरूम। तो ये पूरा मडरूम, यहाँ पे बिल्ट इन शेल्फ्स वगैरह बनाई हुई है, आप अपने शूज जैकेट्स वगैरह यहाँ रख सकते हो। और यहाँ से गैराज की एंट्रेंस, डबल कार गैराज, बहुत ही स्पेशियस डबल कार गैराज इस घर में दिया हुआ है। सो गाइज, ये था 2370 स्क्वायर फीट घर का मेन फ्लोर का टूर जो बनाया हैप्पी प्लैनेट होम्स ने। एक इस घर का जो काफ़ी सही फीचर है, क्योंकि अब समर आ गई है, वो है ये बैकयार्ड। अब आपको दिखाते हैं बैकयार्ड। इस बैकयार्ड में आपको पीछे डेक इंक्लूडेड मिलेगा, प्लस जो गैस लाइन है वो भी इंक्लूडेड है। तो ये बिल्डर ने ऑलरेडी ऐड करके दिया है, ये बहुत ही अच्छा फीचर है, आप पीछे अपना बारबेक्यू कर सकते हो। तो चलो अब आपको लेकर चलते हैं सेकंड फ्लोर पर, और आपको दिखाते हैं इस बहुत ही अमेजिंग कस्टम होम में सेकंड फ्लोर कैसा दिखता है। और ये घर बनाया हैप्पी प्लैनेट होम्स ने, बिल्डर की सारी डिटेल और इस घर की सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो अब चलते हैं। सो अब हम लोग आ गए हैं सेकंड फ्लोर पर, आप देख सकते हो ग्रेट रूम का व्यू बहुत ही अच्छा है, पूरी विंडोज नेचुरल लाइट आ रही है सामने से, काफ़ी अच्छी अपग्रेडेड रेलिंग्स यहाँ पे दी हुई है, जिसका जो कलर है वुडन रेलिंग्स का पूरा कॉन्ट्रास्ट कर रहा है इस बोनस रूम में। बोनस रूम में ये बहुत ही अच्छी डिज़ाइन फीचर्ड वॉल बनाई हुई है। और पूरे सेकंड फ्लोर पर आपको कारपेट मिलेगा, प्लस सीलिंग पर थ्रू आउट पॉटलाइट्स हैं, जो मेरा बेस्ट फीचर है यहाँ पर इस घर में है ये सेकंड फ्लोर पर बालकनी। आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छी डेवलप्ड ये स्ट्रीट है यहाँ पर, और घर के सामने भी व्यू बहुत अच्छा है। अब आपको लेकर चलते हैं बाकी के जगह पर इस सेकंड फ्लोर पर, और आपको दिखाते हैं कि सेकंड फ्लोर पर आपको कितने और अच्छे फीचर्स मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं ये फुल कॉमन बाथ, सारे गोल्ड फिक्स्चर और अपग्रेड दिए हुए हैं। इसके साथ में ये दी हुई है एक लिनन क्लोजेट, तो यहाँ पर आप अपने एडिशनल स्टोरेज के लिए सामान रख सकते हो। प्लस अब आपको दिखाते हैं दो बड़े साइज के गेस्ट बेडरूम। तो ये फर्स्ट बड़ा साइज का गेस्ट बेडरूम है, जिसमें आपको ऑलरेडी ये प्लांट क्लोजेट मिलेगी। मुझे बहुत शेल्फिंग ऑलरेडी बिल्डर के थ्रू बहुत अच्छा फीचर लगता है, आप सारा अपना सामान प्रॉपरली प्लांट तरीके से लगा सकते हो। और अगेन गोल्ड हैंडल्स। और इस रूम में भी सामने आपको बहुत ही बड़ी साइज की विंडो मिलेगी, और इसके साथ में है गेस्ट बेडरूम नंबर टू, जो कि बहुत ही बड़े साइज का गेस्ट बेडरूम है, नेचुरल लाइट आ रही है, और यहाँ पर भी दी हुई है एक क्लोजेट। इस सेकंड फ्लोर पर आपको मिलेगा यहीं पर ही बोनस रूम के साथ में ही, जो कि कन्वीनियंट फीचर है, वो है लॉन्ड्री एरिया। इस घर में आपको लॉन्ड्री के जो अप्लायंसेस हैं वो इंक्लूडेड होंगे इस घर के प्राइस के साथ।
और सैमसंग का वॉशर और ड्रायर यहाँ पे लगा हुआ है। अब आपको लेकर चलते हैं मेरे बहुत ही अच्छे फेवरेट पार्ट पे, जो इस सेकंड फ्लोर पर है, वो है ये मास्टर बेडरूम। सेंटर में आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा लाइट फिक्स्चर दिया हुआ है। सीलिंग पे ये वॉल, कस्टम वॉल बनाई हुई है, प्लस ये सामने फीचर्ड वॉल आपको मिलेगी। कलर कॉन्ट्रास्ट जो है बहुत ही सही है, प्लस बड़े साइज की विंडो अगेन बहुत ही प्लस फीचर है। मास्टर बाथरूम का बार्न स्टाइल स्लाइडिंग डोर है। अब आपको दिखाते हैं कि ये मास्टर बेडरूम मुझे क्यों पसंद आया है। यहाँ पर आपको मिलेंगी पियानो टाइल्स, ये बहुत ही बड़े साइज का सोकर टब, लाइट फिक्स्चर आप देख सकते हो। और छोटे छोटे फीचर्स जो घर में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे आपका टॉवल रखने का ये हुक यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, डुअल सिंक और लाइट फिक्स्चर, और पूरा ही घर बहुत कस्टमाइज करके बनाया हुआ है हैप्पी प्लैनेट होम्स ने। तो यहाँ पर भी दो लाइट, पूरी प्लेंटी ऑफ लाइट आपको घर में मिलेगी, किसी भी पार्ट में ऐसा नहीं है जो आपको लाइट नहीं दिखेगी। और मास्टर बाथरूम के साथ में आपको मिलेगी ये एक्सटेंडेड वॉक इन क्लॉजेट। तो यहाँ से देखो एकदम पूरी पीछे तक ये क्लॉजेट जा रही है। तो इसलिए मुझे ये मास्टर बेडरूम बहुत ही अच्छा लगा है इस घर का। सो ये था इस 2370 स्क्वायर फीट घर के सेकंड फ्लोर का टूर। अब मैंने आपको यहाँ पर सारे ही बहुत अच्छे फीचर्स दिखाए कि ये घर पूरा क्यों अच्छा है, कस्टमाइज्ड है, बहुत सारे फीचर्स सेकंड फ्लोर पर भी है, फर्स्ट फ्लोर पर भी है। अब आपको दिखाते हैं एक एडेड फीचर, जो थर्ड स्पेशल फीचर है इस घर का, वो है फिनिश लीगल बेसमेंट। 2370 स्क्वायर फीट प्लस एडिशनल 943 स्क्वायर फीट आपको मिलेगा इस लीगल सुइट के साथ, जिसमें मिलेंगे आपको दो बेडरूम। तो चलो अब चलते हैं। और गाइस, अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके चैनल सब्सक्राइब करो। चलो अब चलते हैं। सामने दी हुई है ये साइड एंट्रेंस, जिससे आप लीगल सुइट एक्सेस कर सकते हो, और जो मेन फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर जो होम ओनर रहते हैं उनको भी पूरी प्राइवेसी मिले, प्लस जो जना रेंट कर रहा है उसको भी 100% प्राइवेसी मिले। तो पूरी लीगल सुइट में आपको वाइनल फ्लोरिंग मिलेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉपर किचन दी हुई है, और काफी बड़ी लीगल सुइट ये बनी हुई है। आप इनफैक्ट यहाँ पर एक स्मॉल डाइनिंग एरिया भी बना सकते हो। अब आपको दिखाते हैं बेडरूम नंबर फर्स्ट। तो ये बड़े साइज का बेडरूम नंबर वन, बहुत ही अच्छा बेडरूम है, विंडो भी अच्छे साइज की है, प्लस आपको क्लोजेट मिलेगी। बेसमेंट्स में इतनी स्पेस, बहुत ही अच्छा फीचर है ये। और इसके साथ में यहाँ सामने दिया हुआ है फुल बाथ, और अगेन फुल बाथ में आप देख सकते हो बहुत अच्छी फिनिशिंग की टाइल्स। यहाँ पर टब दिया हुआ है, टब शावर कॉम्बिनेशन यहाँ मिलेगा, और सामने आपको यहाँ पे मिरर और वैनिटी वगैरह सब मिलेगी। इसके साथ में ये यहाँ पर सेकंड बड़े साइज का बेडरूम, प्लस इस बेडरूम में भी आपको क्लोजेट मिलेगी। एंड लास्टली इस बेसमेंट में आप देख सकते हो कि आपको लिविंग स्पेस कितनी मिलेगी, प्रॉपर बड़ा, जैसे आपको घर में लिविंग स्पेस मिलती है। बिकॉज इतने साइज का तो अपार्टमेंट आपको इससे छोटे मिलते हैं अगर आप रेंट करते हो, तो ये बेसमेंट बहुत ही बड़ी स्पेशियस बेसमेंट बनाई हुई है हैप्पी प्लैनेट होम्स ने। प्लस पूरी बेसमेंट में थ्रू आउट आपको लाइट बहुत अच्छी मिलेगी। तो मुझे पर्सनली ये बेसमेंट एरिया बहुत पसंद आया। सो आज वीडियो एंड करेंगे मेरे पर्सनल फेवरेट फीचर में, जो कि है ये एंट्रेंस।
सो गाइज ये था इस 2370 स्क्वायर फीट घर का पूरा टूर, प्लस घर में आपको मिलेगी 943 स्क्वायर फीट की लीगल स्वीट जो कि एडिशनल इनकम ऑफ कोर्स अगर आप रेंट करते हो तो मिलती है। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स जो प्राइस और घर के साथ एडेड हैं, तो आपको बाद में ये सारे फीचर्स बनवाने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको ये पूरे घर का टूर पसंद आया होगा। बिल्डर का नाम हैप्पी प्लैनेट होम, सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में है, गो चेक देम आउट। इस घर के बारे में कोई भी कमेंट या फीडबैक हो प्लीज़ नीचे मुझे कमेंट करके बताओ। आई होप आपको पूरे घर का टूर पसंद आया होगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। नमस्ते, बाय।